मैंने ये पिल्ले को टाइए, तिल्ले ने खा जाऊँ, ये खा जाऊँ, थोड़ा सा ही खाऊंगा बस, इसे खा जाऊँ मैं। ये है ना फुल क्यूटी क्यूटी। हाय करो, बोल हाय, ब्लॉग में आए करो, बोल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, बोल। और मत राशि इतनी घाण जा राशि। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे ब्लॉग में। और गाइस अभी मैं ब्लॉग शूट करने आया था, मतलब नीचे ही रेडी वेडी होके। तो गाइस अभी मेरे साथ क्या सीन हुआ, मैं ब्लॉग शूट कर रहा था और गाइस मेरा फ़ोन गलती से, मैं ऐसे मतलब यूँ करते हैं ना, तो गाइस मेरा गलती से फ़ोन अलमारी में लगा और फ़ोन गिर गया और गाइस उसका पूरा टेम्पर चटक गया यार, और मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। अभी मेरे भाई को पता चल गया ना, फ़ोन वो मारेगा, क्योंकि भाई वो बोलता है फ़ोन को संभाल के नहीं रखता तू। और भाई आज मतलब ये मेरे से पहली बार गिरा है और उसका टेम्पर पूरा चटक गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपने भाई के आने से पहले मैं नया टेम्पर डलवा लेता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पर डलवा, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी दुकान पे नहीं जाते, पहले कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि ना भूख लग रही है अभी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे गाइस दिखा, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ले ली गाइस, ये मेरे को समोसे के साथ मिली थी, तो मैंने वो नहीं खाया था चटनी, मैंने इस रख लिया, अब बाई चांस आगे काम आ जाए। और ये तीन अंडे ले लिए, एक प्याज ले लिया, और गाइस इसके अंदर ये सब मैं बनाऊँगा। और ये फ्राई पैन अभी गर्म होने के लिए रखूँगा। और भाई मेरा तीन अंडे में ही काम हो जाता है, तो पहले मैं इसे बना लेता हूँ। फाइनली मैंने सब यहाँ पे कट कर दिया गाइस, यहाँ पे मैंने तीन मतलब एक प्याज है और तीन आ गया, ऊपर से नमक डाल दिया, ये मैं बाद में डालूँगा। और गाइस अभी यहाँ पे तेल गरम करना है, तो इसे पहले मैं मिला लेता हूँ। भाई तेल चेक करता हूँ गरम है कि नहीं है, तो गैस तेल गरम हो गया, इसे मैं डाल देता हूँ। अब गैस ये तब तक पकता है, फिर मैं इसे लास्ट में डालूंगा जब ये थोड़ा अच्छे से पक जाएगा ना पूरा, क्योंकि मैंने फोन अभी ना छुपा के रख रखा है, ऊपर ही है वो, नीचे है मेरा भाई, तो मैं ऊपर ही तो वो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं ऊपर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसे पता नहीं चल रहा। और मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे ही वो सो जाएगा, नहीं तो मैं फैज़ान को ले जाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई चल वहाँ पे चल रहा भाई, फ़ोन का ये सीन है, तो टेम्पर डलवाते हैं, तो सीधा जाएंगे वहाँ टेम्पर डलवाएंगे, तो मैं खा वा के सीधा पहले फिर मैं वहीं जाऊँगा अभी। तो इसे फाइनली पक चुका है, मैं एक बार पहले गैस बंद कर देता हूँ, तो उसके ऊपर से डाल देता हूँ चटनी। इससे ये होगा ना काफ़ी ना स्पाइसी, मतलब ये काफ़ी चिली वाली चटनी है, तो वो सब उस चटपटा लगेगा, आप ही ट्राई कर लेना कैसे भी है। और भाई हाँ, मुझ पर ना एक मसाला पड़ा है, मैं मसाला भी डाल लेते हैं वाला। और भाई इसकी स्मेल अलग ही आ रही है, फिर चटपट एकदम जलन हो रही है आपको, बिल्कुल ज़्यादा ही मिलती है ना इसमें, तो चलो मैं ये खा लेता हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी क्या सीन हो गया, मैंने अपने फ़ोन में चेक करे, मतलब अपनी जेब में चेक करे पैसे, और भाई 20 रुपये ही थे, तो बाकी के पैसे मैं पापा से मांगता हूँ, देखते हैं वो देते हैं नहीं, उन्हें अभी बताया तो नहीं, गुस्सा ना हो जाए, तो फिर मैं बोल दूँगा गिर गया गलती से, तो पहले उनसे अगर पैसे मांगता हूँ, ट्राई करता हूँ देते हैं कि नहीं। भाई पापा से फ़ोन मतलब पापा से मैंने पैसे मांगे, तो पहले डांट रहे हैं, कह रहे क्या करता है फ़ोन वोन गिरा दिया, अभी तेरे भाई को पता चल गया तो मारेगा। तो मैंने कहा कोई नहीं आप पैसे दे दो, तो गए 100 रुपये मिल गया, और ये रे 20 रुपये, 120 हो गया, टेम्पर डल जाएगा मेरा, मेरे को कोई डर नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पर डलवाने, फैजान के घर आया तो देखो तो हमें कौन मिला, शिंटी, और ये यहाँ टर्री के नीचे बैठा है। शिंटी तेरी तो भगे मत, खा जाऊँगा चूहे भंगी हूँ, खा जाऊँगा शिंटी भगे मत पिटाई कर दूंगा, गुस्सा हो गया, गुस्सा भाग जा जल्दी भाग। का सीन ये है, अभी मैं नहीं जा रहा वहाँ पे टेम्पर डलवाने, क्योंकि अभी मैंने उस बंदे को फ़ोन करके बोला था, तो वो बंदा कह रहा भाई अभी दुकान नहीं खुलेगी, अभी 6 या 7 बजे खुलेगी। तो पहले अभी क्या सीन करते हैं, मैं फैज़ान भाई को फ़ोन करके बोल देता हूँ, प्रयास चल ले, तो हम क्या करते हैं अभी प्रयास के पार्क में जा रहे, तो मैं सीधा आपको प्रयास के पार्क में ही मिलूंगा। तो गाइस अभी हम प्रयास जा रहे थे, तो अभी हम इस साइड पे बाइक चला रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे जाम लग रखा है, और कुछ ज़्यादा ही लंबा जाम है यार, देखो तो पूरा आगे तक लगा हुआ है जाम,
तो इस पे चढ़ा ली भाई। अंकल जी हट जाओ नहीं प्यार हो जाएगा लिफ्ट लिफ्ट वाला। हाँ भाई गंजी वो खुदा भी थी। और मद्रासी इतनी घाण जरा सी और मद्रासी गांड जरा सी ऐसे नहीं बिना ऐसे। और मद्रासी तेरी गांड जरा सी सीधा सीधा हिसाब है। ओए मद्रासी तेरी गांड जरा सी। हाँ भाई बेरोजगार वो बेरोजगार मामा ने क्या तुम्हारी मम्मी की तलाश में रहते थे भूखे शिकारी है ना बेरोजगार है ना। और तो बोली और टेंट पा आई गेट सरप्राइज। ये बोल के ला खिंच गया यहाँ पे। ये देखो हमारे यूके भाई यूके भाई यूके भाई। अरे ये तो कोई और है ये तो कोई और था जी ये तो टट्टी है। तो गाइस फाइनली हम प्रयास वाले रोड पे आ गए। अब यहाँ से अंकल घर नहीं जाना क्या पैदल भाई यहाँ से घुसो ना। तो गाइस फाइनली प्रयास में आ गए और अब यहाँ पे आएंगे मजे और मैं आपको दिखाऊंगा प्रयास जिसने नहीं देखा उसे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मतलब बहुत कम लोग आते हैं मेरे हिसाब से पूछ लेंगे। और भाई यहाँ पे ना बहुत सारी ना बसें खड़ी। और भाई हमारा कट देखो पूरा लहर गए थे। और भाई जब मैं यहाँ पे मैं बहुत पहले आया था ना तब यहाँ पे बताऊँ क्या सीन था। यहाँ पे सब बना नहीं था वहाँ पे पार्किंग ही बना दी है। और ये कट देखो हाँ भाई कुछ यहाँ पे हमारे पुलिस वाले अंकल घोड़ी बने पड़े हैं ये आपस में गुट्टे अपना प्यार जता रहे हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे आ गया शमशान घाट के साइड। और यहाँ पे देखो अभी रनिंग चल रही है बूढ़ों की। और ये भाई ये शमशान घाट है इधर 12th के पेपर दिए जाते हैं। मैं भी यहीं से पास हुआ हूँ क्योंकि गुजर है गुजर सिर्फ जिसे पता है कमेंट में बताना। और अभी हम इस वाले गेट पे आ गए। ओ भाई कितना प्यारा क्यूटी तुम्हें नहीं बुलाया पीछे हेलो ट्यूटी ओए भाई कितने सारे यार। ओ भाई वो रहा भाई अब 1 2 3 4 5 हैं। ये वाला ज्यादा क्यूट लग रहा है मुझे तो तेरी तो क्यूटी के बच्चे भाई कितना प्यारा लग रहा है। हाय टोटो गाइस इस कुत्ते का नाम मैंने टोटो रख दिया है। गाइस यहाँ पे ना इसके अंदर ना क्या कहते हैं यहाँ पे ना ये कमरा बना पड़ा है ठीक है। और इसके अंदर ना बंदे ना माल फूक रहे हैं तो हमें डर लग रहा है क्योंकि हम दो ही बंदे आए हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे क्या सीन होता है यहाँ पे शाम के टाइम पे और मतलब ऑल टाइम अगर आप अकेले होगे ना तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है स्नैचिंग कुछ भी। तो यार यहाँ पे अकेले मत आना। अभी फिर भी हम ब्लॉग बनाने आ गए यहाँ पे और अभी हम अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे वो देखते हैं क्योंकि भाई डर लग रहा है वो गंजेड़ी हैं कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी। तो अभी हम बाहर का ब्लॉग शूट कर लेते हैं। भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया था यार यहाँ पे आके मतलब पहले भी आया हूँ पर आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा लग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे खाली है ना तो कोई शोर वोर करने की जगह भी नहीं है। और गाइस यहाँ देख सकते हैं आप ये क्या कहते हैं ये शमशान घाट है ST थॉमस क्रिश्चियन सेमेट्री। और भाई यहाँ पे आपको पता ही हो 12th के पेपर दिए जाते हैं जस्ट किडिंग क्योंकि आप लोग कुछ और मत समझना। बस आपको एक चीज़ और बतानी है क्योंकि भाई मैं 12th में था भाई मैं मतलब 12th मैंने भी मतलब पास तो कर लिया क्योंकि कल रिजल्ट आया था 12th के क्लास वालों का। और गाइस मैं फाइनली पास हो गया। और भाई आई स्वेयर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया था जिसे कहते हैं ना एक अक्षर भी नहीं पढ़ के गया था क्योंकि मैं क्या करता था कुछ भी नहीं पढ़ता था मुझे लगता था मैं पास हो जाऊँगा। तो मैंने क्या सीन करा भाई मैं क्या करता था यहाँ पे ना वो जैसे मान लो आज इंग्लिश का पेपर है
तो मैं क्या करता था भाई, मैं ले जाता था ज्योग्राफी के फर्रे, कुछ भी, बस भाई लिखना ही तो है। और सर ने भी यही कहा था भाई, कुछ भी लिख दो, बस तुम कुछ भी लिख कर आना, पास हो जाओगे। ये सीन था भाई, फाइनली मैं पास हो गया। और गाइस मेरे 72% आई है 12th में, भाई मज़ा आ गया यार मुझे। फिर भी अच्छा ही लग रहा है, मुझे फील अच्छा हो रहा है भाई। घर वाले मेरे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था भाई, मेरे पापा हमेशा बोलते थे पढ़ता है नहीं, एक अक्षर नहीं पढ़ता, किताब भी नहीं खोलता, अब अगर तू फेल होगा तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर भाई मेरा तो ये भी, मतलब मेरा तो ये भी सीन था कि मेरा ये शर्त लगा था घर पे कि अगर मैं 12th पास हो गया तो मुझे एक फ़ोन दिलाएंगे ब्लॉगिंग करने के लिए। पर गाइस रिज़ल्ट आने से ही पहले मैंने फ़ोन ले लिया और अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और गाइस मेरे को ये डर था कि मैं फेल ना हो जाऊँ, क्योंकि शायद ब्लॉगिंग बंद हो जाती मेरी। पर फाइनली मैं कल पास हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे किसी बंदे ने कलाकारी करी, और गाइस ये सैंडी लिखा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आर्ट। और गाइस फाइनली ये जगह है जो, गाइस ये फाइनली ये जगह है ना, ये काफ़ी, मतलब ना अभी इस टाइम पे काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेले है। और गाइस वहाँ जस्ट वहाँ देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। और गाइस यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे जो अंदर, मतलब ये देखो, ये बाहर बाहर से बाउंड्री बनी पड़ी, और वहाँ फाइनली ना गेट है जहाँ पे हमने बाइक रोकी है। तो ये सीन होता है कि अगर आप ना आओगे भी ना तो क्या होगा, बाहर बाहर का तो ठीक है, अंदर ना भाई अंदर का कुछ पता नहीं, अंदर कौन होगा कौन नहीं होगा, तो अंदर आपका कुछ भी सीन हो सकता है। इसलिए हम बार बार से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और अभी वो वाले भैया हैं वो जो देख रहे थे मुझे, तो ये होता है। अब वो अगर हम अंदर जाएंगे, अभी हमारा कंफर्म नहीं है हम अंदर जाएंगे कि नहीं, पर ये सीन होगा ना अगर हम अंदर जाएंगे और बाई चांस भाई वो बंदे आ जाए, हम दो बंदे और वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, और अगर हमारा उन्होंने फ़ोन छीन लिया, उन्होंने कुछ कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर आओ तो भाई ज़्यादा बंदे लेकर आओ, और बड़े अपनी उम्र, मतलब जो, तो उन्हीं को लेकर आओ, यहाँ पे अकेले तो मत ही आओ, और अकेले तो आना ही मत यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैं अब आप सबको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। बस ये देखो, पहले ना भाई वहाँ पे मैं आया था ना बहुत पहले, तो वहाँ पे जीना था, वो तोड़ दिया और वहाँ पे ना बाउंड्री सी बना दिया। और भाई यहाँ देख सकते हो कितने सारे पिल्ले हैं, और वो देखो तू। और गाइस मैंने ये पिल्ले को टाल लिया, चिन्ने ने खा जाऊँ, भैया खा जाऊँ, थोड़ा सा ही खाऊँगा बस, इसे खा जाऊँ मैं, ये है ना फुल क्यूटी। हाय करो, बोल हाय, ब्लॉग में आए करो, बोल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, बोल चूजे, खा जाऊँ भैया, खा जाऊँ, हाँ फोटो खींच देगी इसका, अपलोड कर दियो, खा जाऊँ तुझे, कितना क्यूट है यार चिन्नू, जा भाई ला मत, चिन्नू मुन्नू भाग रहा है, हाय। और गाइस इसका नाम है शिवम, इसको हम प्यार से किसमिस बुलाते हैं, सूखा, ये दिल से ही सूखा है, और वैसे तो क्यूट ही है, चले भाई क्यूटी, हाँ कूतू, ये गंदा हो रखा है यार, फिर भी कोई नहीं, क्यूट तो है, क्यूटी खा जा, क्यूटी। तो चलो उन्हें बाय करते हैं, और उन्हें भी बाय। और अभी हम जा रहे हैं अब नीचे वाले पार्क पे, यहाँ का तो हमने कर लिया शूट, अब हम नीचे वाले पार्क जाते हैं। प्रयास के नीचे वाले पार्क में आ गया, और भाई यहाँ पे कितने मस्त वाइब आ रही है,
और यहाँ पे अलग ही एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट लग रहा है, एकदम खुली हवा। यहाँ पे लोग अभी मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अभी जॉगिंग कर रहे हैं। और ये रही भाई वो जगह, और देखो कितनी प्यारी जगह है। बोलो कहाँ, इस साइड पे मैं लो इस साइड हो जाता हूँ। ये रोड है, इसके ऊपर हम जब गए थे तो उस साइड शमशान घाट का जो ऊपर का था वो था यहाँ से यहाँ। और अपन अगर आप लोग प्रयास में आओगे तो वहाँ पे उसके मतलब जो इस साइड मुड़ोगे ना तो इस साइड ये पार्क है। और अब भाई आप यहाँ के ये मतलब आप यहाँ पे आके घूम भी सकते हो, और यहाँ पे बहुत प्यारी वाइब भी ले सकते हो। और ये काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट लग रहा है भाई मेरे को तो, यहाँ पे एकदम से आके एकदम भाई माइंड फ्रेश सा हो गया। तो आप यहाँ पर आ सकते हो भाई प्रयास में। पहले हम यहाँ पर आते थे बैट बॉल खेलने, अब उस पिच को एक बंदे ने मतलब गूजर है उसने घेर लिया, मेरे भाई गूजर हैं, और गूजर ने तो कर लिया, उसने उसकी क्या बना दी पार्किंग। तो अब लोग यहाँ पे बस क्या करने आते हैं, खाली मतलब राउंड लगाते हैं, आते हैं यहाँ पे जॉगिंग करते हैं। और यहाँ पे भाई जगह भी है जॉगिंग करने वाली। और गाइस यहाँ देखो बंदों की कलाकारी, ये भाई यहाँ पे लिख रखे LOL फक। ये देखो ये यहाँ पे आके, ओए डोरीमोन चिंटू है तो। और यहाँ पे भाई ये लिखा है, ये पूरा अलग ही कलाकारी कर रखी है यहाँ पे भाई। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं। वो पार्क में हमें एक डॉग मिला, वहाँ पे बहुत सारे छोटे थे। और ये रहा क्यूटी। क्यूटी कहाँ जा रहा है? चल क्यूटी आजा। क्यूटी। और बारिश के यहाँ ना पैर में ना लगी हुई है, हल्का सा छिल गया है। ओए जंगली 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 एक ये रहा, यहाँ पे दो हैं दो। ये देखो तो अभी चलो घर चलते हैं, या अभी देखते हैं कहाँ जाना है, पहले निकल लेते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी प्रयास से अभी मैं घर आ गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर हम जाएंगे टेम्पर डलवाने। और गाइस टेम्पर डलवाना तो एकदम जरूरी है, वरना भाई को पता चल गया तो मारेगा। और गाइस ये देखो मैं कल पास हो गया था ना, तो मेरी मम्मी क्या लेकर आई है दिखाओ ना। मेरी मम्मी शर्मा रही है। ये देखो गाइस मैं कल 12th में पास हो गया हूँ ना, तो ये मिठाई लेकर आई है। कौन से हैं? बेसन के होंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई मुझे बेसन के अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं कौन से हैं। और भाई ये मेरे को बेसन के ही लग रहे हैं। और भाई बेसन के है भाई, मेरी मम्मी इतना तेज है, मैंने इनसे भी पूछा कौन सी मिठाई लेकर आए हो, तो अभी बताऊँ क्या कह रही। 1 रुपए वाले रसगुल्ले होते नहीं है वाइट वाले, मेरे को अच्छे लगते नहीं है, तो जानू उससे बोला क्योंकि बेसन के लड्डू मैं सारे खा जाता हूँ। और ये देखो अभी एक चढ़ा देंगी ना मंदिर में, एक जैसी चढ़ा देंगी तुम्हारा भाई सारे खा जाएगा, कल तक मिलेगा ही नहीं किसी को भी नहीं मिलेगा। तो चलो अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर में फिर मैं टेम्पर चढ़ाने जाऊँगा, ठीक है? अभी तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अभी फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ टेम्पर डलवाने, और अभी मैं जा रहा हूँ अस्थल मंदिर पे। बाबे गाइस मैं हूं ना थोड़ा तो स्मार्ट, बस मेरा मुंह हटा दो गाइस। अगर आप अपने नीचे ये दो बॉल देखेंगे, और इसकी शक्ल और इस और दो बॉल की शक्ल सेम होगी, तो ये जब भी खो जाता है तो इसके पापा वो नीचे की निकाल लेते हैं, कहते देखा कहीं से। तो चलो पहले मैं टेम्पर्ड की दुकान पे चले जाता हूँ, वहाँ से डलवा लेता हूँ, फिर मैं आप सबसे बात करता हूँ। और अभी कुछ दिख भी नहीं रहा हूँ, दुकान बंद है टेम्पर्ड भाई की। तो अभी सीधा घर ही जाएंगे, अब घर भी जा सकते, दुकान बंद है। रात के भी ज़्यादा मतलब रात हो गई यार, मैंने सोचा था रात में चले जाएंगे, दिन में ब्लॉग शूट कर लेंगे, रात में चले जाएंगे, पर हो ही नहीं पाया। तो कोई नहीं, अब कल डलवा लेंगे। तो चलो मैं घर जाता हूँ, मैदान में शक्ल तो दिखाओ। फाइनली घर आ चुके हैं। और गाइस अभी क्या हुआ था, मैं दुकान पे गया था, और भाई दुकान बंद थी क्योंकि ज़्यादा रात हो गई यार। मैं ऐसे करते करते कि अभी चले जाऊँगा करते करते ज़्यादा टाइम हो गया और दुकान बंद होगी, तो कोई नहीं हम कल डलवा लेंगे। और गाइस अभी कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद कर रखा है, आवाज़ आती है आपको भी बताएं। तो गाइस यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।